आर्थिक जगत से सबसे बड़ी खबर है रुपए की निरंतर गिरावट, लगातार रुपया गिर रहा है, लेकिन क्या इसका आपकी जेब पर, आपके जीवन पे कोई प्रहार पड़ता है? होता है, और समझिए कैसे। आज की तारीख में $1 के मुकाबले 81.18 रुपए देने पड़ेंगे। एक साल पहले हम $1 के मुकाबले 73 रुपए देते थे, मतलब आज हम पिछले एक साल के मुकाबले में 8 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। $1 के मुकाबले 8 रुपए से ज्यादा, 8.18 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। मतलब अगर आप विदेश से $1 की चीज मंगाएंगे तो आप उसके 81.18 रुपए देंगे, पिछले साल तक 73 रुपए दे रहे थे। अब इसका आपके जीवन में क्या असर पड़ता है? इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा असर, ये महंगाई को बढ़ाता है, और आपको मैं 2 मिनट में समझाती हूँ कैसे। हमारे यहाँ करीब 80% कच्चा तेल आयात किया जाता है, हम विश्व से 80% तेल खरीदते हैं, और जब इस तेल का दाम बढ़ता है, और क्योंकि हम इंपोर्ट रुपए में देते हैं, डॉलर्स में होता है पेमेंट, तो उसकी वजह से हमारी महंगाई की दर बढ़ती है। इससे डीजल आता है, डीजल जो है वो मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल है, उससे ट्रक्स चलते हैं, उससे सब्जी, फल, अनाज, बाकी खाद्यान्न के सामान चलते हैं। जब डीजल महंगा होता है तो ढुआई की कॉस्ट महंगी होती है, तो उससे लगातार महंगाई बढ़ती है। तो मोटा मोटा टूटता रुपया बढ़ती महंगाई। क्या सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया है? नहीं, बहुत कुछ किया है, और अभी आपको मैं समझाती हूँ कैसे। हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जिसको विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, वो एक साल पहले तक $600 बिलियन था, मतलब 600 बिलियन, 642 अरब डॉलर, वो घटकर $545 बिलियन हो गया है, $545 अरब एक साल में। तो इस एक साल में सरकार ने $96 बिलियन, $96 अरब मार्केट में लगाए हैं रुपए को मजबूत करने के लिए, लेकिन रुपए को सरकार अभी भी मजबूत नहीं कर पा रही। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रुपए की जो मजबूती होती है वो अर्थव्यवस्था के हाल पर, उसकी सेहत पर निर्भर करती है। हमारे यहाँ उपभोग, निवेश और नौकरी का ये जो चक्र है ये पूरी तरह से टूट गया है। जब लोग ज्यादा उपभोग करेंगे तो कंपनी उसको ज्यादा बनाएगी, निवेश करेगी, निवेश ज्यादा करेगी ज्यादा लोगों को रखेगी, ज्यादा लोगों को रखेगी तो वो और ज्यादा कमाएंगे, और ये सुचक्र एक होता है कि बहुत बढ़िया चक्र होता है। इस चक्र को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है, और इस चक्र के साथ साथ महंगाई जो है वो भी बढ़ गई है, जिसके चलते विदेशी निवेशकों का जो भरोसा एक इकोनॉमी पर होता है, मार्केट पर होता है, वो डगमगा गया है। और इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो विदेशी निवेशक होते हैं, वो देश से लगातार पलायन कर रहे हैं, और रुपया और टूट रहा है क्योंकि हमारा फॉरेक्स जा रहा है। $96 बिलियन लगाए गए हैं, उसके बाद भी रुपया बच नहीं पा रहा है। अब इसके बारे में एक कुख्याति फैलाई जा रही है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं नहीं इससे निर्यात बहुत ऑन होगा। सही बात है, निर्यात ऑन होता, आयात मतलब इंपोर्ट और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। अगस्त का लास्ट डेटा आया हुआ है, और अगस्त के उस डेटे में एक बात साफ है कि आयात इंपोर्ट 37% बढ़ा है, और एक्सपोर्ट हमारा 1.15% बढ़ा है। आयात आज की तारीख में, और ये डेटा ध्यान से सुनिएगा, $61.9 बिलियन अगस्त की रीडिंग आई है, ये $33 बिलियन है। अगस्त की रीडिंग की मैं बात कर रही हूं, जो लास्ट डेटा सरकार का आया है। आयात 37% बढ़ा है, इंपोर्ट $61.9 बिलियन पर है, एक्सपोर्ट महज 1.1% बढ़ा है, ये $33 बिलियन पर है। ट्रेड डेफिसिट जो लास्ट रीडिंग है वो करीब करीब $28 बिलियन की है। इन दोनों का अंतर, व्यापार का घाटा, ट्रेड डेफिसिट जो है वो करीब करीब $28 बिलियन है। $28 बिलियन ट्रेड डेफिसिट दोगुना हो गया एक साल में, पिछले साल अगस्त में और इस साल अगस्त में ये दोगुना हो चुका है, $28 बिलियन। तो जितना ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा उसका मतलब है इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा हो नहीं रहा है। अगर एक्सपोर्ट वाकई में चकाचक हो रहा होता तो हाँ टूटते रुपए का प्रभाव पड़ता और अच्छा प्रभाव पड़ता, लेकिन इस समय क्योंकि लगातार इंपोर्ट बढ़ रहा है
तो टूटता रुपये से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये बताना जरूरी है कि 26 मई 2014 वो दिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, 26 मई 2014 रुपए का मूल्य था 58.62। आज की तारीख में रुपए का मूल है 81.18 बनाम डॉलर। एक डॉलर के बनाम 58.62 पर रुपया मोदी जी को मिला था, 81 रुपए पार इतिहास में पहली बार कराने का श्रेय उनको मिल चुका है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को यह याद नहीं दिलाऊंगी जब वो कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है, लेकिन हाँ उनको मैं ये याद जरूर दिलाऊंगी कि टूटता रुपया इस देश की कमजोरी और लोगों की आर्थिक कमजोरी का सूचक जरूर है। अपनी ही कही हुई बातें याद करिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसी नीतियां बनाइए जिससे अर्थव्यवस्था सुधर चुके। कब तक आंखों पे पट्टी बांधे रखिएगा, क्योंकि साख तो आपकी ऐसी गिर रही है कि रुपया 81 के पार है और एक शब्द आप बोलते हैं। धन्यवाद।